सदिश बीजगणित। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा सदिश का योग, उनका व्यवकलन, और हम पढ़ रहे हैं सदिशों के योग के गुण। आइए देखते हैं सदिश योग के गुण। इसके अंदर सबसे पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का नियम सदिशों के योगफल के लिए दिया जाता है, जो कि इस प्रकार है। यदि दो सदिश, सदिश A और सदिश B हमारे पास हैं, तो इनका योगफल सदिशों का योगफल सदिश A धन सदिश B बराबर होता है सदिश B धन सदिश A के, और यह है दो सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम। इसी प्रकार सदिश योग का दूसरा नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम तीन सदिशों के लिए दिया जाता है। यदि सदिश A, B और तीसरा सदिश मान लेते हैं सदिश C हो, तो इनका योगफल सदिश A धन सदिश B धन सदिश C सदैव बराबर होता है सदिश A धन B, सदिश A धन सदिश B धन सदिश C के। तीसरा नियम शून्य सदिश। तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक सदिश के लिए एक शून्य सदिश इस प्रकार होता है। शून्य सदिश को लिखते हैं इस प्रकार, तो सदिश जिसे हम कहते हैं शून्य सदिश, इस प्रकार होता है कि किसी सदिश A में इस शून्य सदिश को जोड़ने से उस सदिश के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। सदिश A धन शून्य सदिश बराबर हमें सदिश A प्राप्त हो, या इसी को हम लिख सकते हैं शून्य सदिश में सदिश A का योग भी सदिश A के बराबर हो। देखते हैं चौथा नियम जो कि परिभाषित करता है युज तत्समक को। आइए परिभाषित करते हैं युज तत्समक को। प्रत्येक सदिश A के लिए एक सदिश ऋण सदिश A इस प्रकार होता है कि सदिश A में इस ऋण सदिश A को जोड़ने पर हमें शून्य सदिश प्राप्त हो। तो इस
ऋण सदिश ए को सदिश ए का युज तत्सम कहते हैं। तो ये थे सदिश योग के गुण। आइए संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। इसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है तो सिद्ध कीजिए ए से बी धन ए से सी बराबर होगा दो ए डी। इसे हल करते हैं। यह हमारा प्रश्न किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु यदि डी है तो हमें सिद्ध करना है सदिश एबी धन सदिश एसी बराबर दो सदिश एडी है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज है हमारा एबीसी तथा प्रश्नानुसार हमें ज्ञात है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है डी। तो BC पर एक बिंदु हम बनाते हैं D जो BC का मध्य बिंदु है। ज्ञात है त्रिभुज ABC में बिंदु D सदिश BC का मध्य बिंदु है। चूंकि डी मध्य बिंदु है इसलिए बी से डी बराबर होगा डी से सी के। जानते हैं हम मध्य बिंदु की परिभाषा। इसको लिख लीजिए आप समीकरण एक। अब हमें सिद्ध करना है ए बी धन ए सी बराबर दो ए डी। हमें सिद्ध करना है सदिश ए बी और सदिश ए सी को जोड़े तो दो सदिश ए डी हमें प्राप्त होगा। आइए सिद्ध करते हैं। और सिद्ध करने के लिए लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। बायां पक्ष है सदिश ए बी धन सदिश ए सी। देखते हैं इसे। जब हमें बनाना है सदिश ए बी बिंदु ए और डी को आप जोड़ दीजिए। ए डी को मिलाया हम देखते हैं यहाँ पर सदिश ए बी त्रिभुज के नियम से हम लिख सकते हैं ए से डी धन डी से बी। हम ए से बी को लिख सकते हैं ए से डी धन डी से बी। इसी प्रकार ए से सी सदिश ए सी को बनाते हैं तो सदिश ए सी को हम लिख सकते हैं ए से डी धन डी से सी। सदिश अब मान रखते हैं ए बी तथा ए सी का तो हम लिख सकते हैं ए बी धन सदिश ए सी
बराबर सदिश AB का मान है हमारे पास सदिश AD धन सदिश DB इसी प्रकार AC सदिश का मान है AD धन DC हल करते हैं इसे हम देखते हैं AD धन AC दोनों सदिशों का योगफल बराबर होगा सदिश AD धन सदिश DB D से B हम देख रहे हैं D से B की दिशा BD के दिशा के विपरीत है तो हम लिख सकते हैं इसे माइनस BD DB को हम लिख सकते हैं माइनस BD धन AD सदिश धन D से C सदिश AD और AD जुड़ जाएगा लिख सकते हैं हम दो बार सदिश AD धन और ऋण का गुणा ऋण B से D सदिश तथा धन D से C सदिश अब हम जानते हैं चूंकि D BC का मध्य बिंदु है हम समीकरण एक में लिख चुके हैं D से B बराबर है B से D बराबर है D से C के अतः B से D और D से C आपस में बराबर है या समीकरण एक से हम DC को BD भी लिख सकते हैं धन बी डी और यह ऋण बी डी कट जाएगा और हमें मिलेगा दो ए डी सदिश ए बी धन सदिश ए सी बराबर दो सदिश ए डी और यही इसका दायां पक्ष है और यही हमें सिद्ध करना था तो यह प्रश्न हमारा सिद्ध हुआ आइए देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में देखते हैं दूसरा प्रश्न समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी और बी डी इसके विकर्ण हैं तो सिद्ध कीजिए AC धन BD बराबर सदिश AC धन सदिश BD बराबर दो सदिश BC होगा पहला तथा दूसरा हमें सिद्ध करना है AC सदिश माइनस BD सदिश बराबर दो सदिश AB होगा आइए इस प्रश्न को हल करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज ABCD
माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी तथा बी डी इसके विकर्ण हैं। अब हमें पहला सिद्ध करना है, पहला हल करते हैं। सदिश ए सी धन सदिश बी डी बराबर होगा दो सदिश बी सी। आइए इसे हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष लाएंगे। सदिश ए सी धन सदिश बी डी। अब यदि ए से डी सदिश है, बी से सी एक सदिश है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में हम जानते हैं, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं ए बी तथा डी सी आपस में बराबर होंगे तथा इनकी दिशा एक दूसरे के समांतर है। इसी प्रकार बी सी और ए डी भी आपस में बराबर होंगे। बी से सी बराबर होगा ए से डी के, इनकी भी दिशाएं आपस में समान है। अब ए से सी को, सदिश ए सी को हम त्रिभुज नियम से लिख सकते हैं ए से बी धन बी से सी। सदिश ए सी को हम लिखते हैं सदिश ए बी धन सदिश बी सी। धन बी से डी सदिश बी डी को हम लिख सकते हैं बी से सी धन सी से डी। लिखते हैं बी सी धन सदिश सी डी। पहला हम बना रहे हैं सदिश ए सी धन सदिश बी डी। ए बी सदिश धन बी सी सदिश फिर धन बी सी सदिश और धन सी डी सदिश। लिखते हैं सदिश ए बी सदिश बी सी धन सदिश बी सी और धन सदिश सी डी। इसमें हम देखते हैं कि बी सी दो बार आ रहा है और लिख सकते हैं दो बार सदिश बी सी। अब हमारे पास है सदिश ए बी तथा सदिश सी से डी। सी से डी विपरीत दिशा में दिख रहा है ए बी के। सी से डी सदिश को यदि उसकी दिशा को हम परिवर्तित करते हैं तो हम लिख सकते हैं ऋण सदिश डी से सी। चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ए बी और डी सी, तो परिमाण में ये आपस में बराबर है, ए बी बराबर है डी सी के तथा दिशाएं भी इनकी समान हैं। दो बी सी धन ए बी धन और ऋण हो जाएगा ऋण डी से सी। दो बी सी धन ए बी सदिश और ऋण डी सी की जगह पर हम फिर लिख सकते हैं सदिश ए बी। सदिश ए बी धन और ऋण सदिश ए बी कट जाएगा और हमें मिलेगा दो सदिश बी सी, और यही है दायां पक्ष और यही हमें सिद्ध करना था। यह सिद्ध हुआ। आइए इसका दूसरा बनाते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग, सदिश ए सी में से यदि घटाया जाए सदिश बी डी को तो यह बराबर होगा दो
सदिश ए बी के। हल करते हैं इसे, फिर हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे और दायां पक्ष को सिद्ध करेंगे। बायां पक्ष है हमारा सदिश ए सी ऋण सदिश बी डी। बनाते हैं इसे। सदिश ए सी ऋण सदिश बी डी। सदिश ए सी को हम लिख सकते हैं ए से बी धन बी से सी, सदिश ए बी धन सदिश बी सी, इसी का मान लिखा हमने ऋण का चिन्ह। इसी प्रकार बी डी को हम फिर लिख सकते हैं बी से सी धन सी से डी, सदिश बी सी धन सदिश सी डी। सदिश ए बी धन सदिश बी सी ऋण सदिश बी सी, और ऋण और धन फिर हो गया ऋण सदिश सी से डी। धन बी सी और ऋण बी सी कट जाएगा। हमारे पास है सदिश ए बी धन सदिश ऋण सदिश सी डी। अब हम देख रहे हैं ए बी और डी सी आपस में बराबर हैं, तो हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं सी डी में और इसे लिख सकते हैं हम ऋण डी से सी विपरीत क्रम में, जो कि बराबर होगा सदिश ए बी ऋण और ऋण हो जाएगा धन सदिश डी सी, तथा ए बी और डी सी आपस में बराबर है इसलिए सदिश डी सी की जगह हम फिर लिख सकते हैं सदिश ए बी, और सदिश ए बी और ए बी जुड़ जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा दो बार सदिश ए बी, और यही इसका दायां पक्ष है और यही हमें सिद्ध करना था, अतः यह भी सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार सदिश नियम का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हमने हल किए सदिश योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को। आइए अब देखते हैं खंड सूत्र। दो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को एक दिए हुए निश्चित अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश हम ज्ञात करते हैं खंड सूत्र के अंतर्गत। तो खंड सूत्र है दो दिए हुए बिंदुओं मिलाने वाली रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना, ये खंड सूत्र है। तो दो दिए हुए बिंदु मान लेते हैं, हमारे पास ए और बी दो बिंदु हैं तथा मूल बिंदु ओ है, ओ से बिंदु ए
का स्थिति सदिश सदिश ए है तथा ओ से बिंदु बी का स्थिति सदिश सदिश बी है। इसे सिद्ध करते हैं। माना ओ मूल बिंदु है, ओ से ए का स्थिति सदिश सदिश ए है। दो बिंदु हमने ए और बी लिए हैं, ए का स्थिति सदिश ए है तथा बी का स्थिति सदिश मान लेते हैं सदिश बी है। ए और बी को मिलाते हैं। अब हमारे पास यदि तीसरा बिंदु है जो ए बी को किसी निश्चित अनुपात एम अनुपात एन में, एक हमने तीसरा बिंदु लिया मान लेते हैं बिंदु पी, ए बी को एम अनुपात एन में विभाजित करता है तो यहाँ दो स्थितियाँ संभव हैं। पहला देखते हैं स्थिति एक। स्थिति एक ये है कि हो सकता है कि बिंदु P ए बी को मिलाने वाली रेखा पर ही कहीं स्थित हो, तो स्थिति एक यह बनती है कि बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। जब बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है और ए बी को m अनुपात n में विभाजित कर रही है, आइए हम निकालते हैं बिंदु P का स्थिति सदिश। सबसे पहले हमें O और P को मिलाना चाहिए। बिंदु O और P को मिलाया, तथा मान लेते हैं बिंदु P का स्थिति सदिश OP बराबर सदिश R है। तो इस R को ही हमें ज्ञात करना है खंड सूत्र में। अब देखते हैं हम, जैसे ही बिंदु P रेखाखंड AB को M अनुपात N में विभाजित करता है, A से P बटे P से B बराबर हमें मिल जाता है M बटे N, जिसे हम लिख सकते हैं N का गुणा AP से बराबर M का गुणा PB से, और सदिश रूप में इसे लिख सकते हैं M सदिश AP बराबर होगा M सदिश बी के। आइए सदिश ए पी तथा सदिश पी बी का मान हम निकालते हैं इस चित्र द्वारा। चित्र से हम देखते हैं सदिश ए पी, ए से पी का मान हम किस प्रकार निकालें। तो त्रिभुज का नियम यदि इस्तेमाल करें त्रिभुज ओ ए पी में, तो हम देख सकते हैं ओ से पी ओ से ए धन ए से पी के बराबर होगा। त्रिभुज नियम से हम लिख सकते हैं ओ से पी सदिश बराबर होगा ओ से ए धन ए से पी के। ओ से पी सदिश आर है, ओ से ए
सदिश ए है, धन सदिश ए पी। या हम सदिश ए पी का मान लिख सकते हैं सदिश आर ऋण सदिश ए। पहला समीकरण। इसी प्रकार मान निकालते हैं सदिश पी पी का, पी से बी का मान। पी से बी का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर हमने त्रिभुज लिया था ओ ए पी, और अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ओ पी बी। ओ पी बी त्रिभुज है, और त्रिभुज के नियम से त्रिभुज के का योग नियम कहता है कि ओ से बी बराबर होगा ओ से पी धन पी से बी। ओ से बी सदिश लिख सकते हैं हम ओ से पी धन पी से बी। ओ से बी का स्थिति सदिश बी है, ओ से पी सदिश आर है तथा पी से बी। और इसलिए हम मान लिख सकते हैं सदिश पी से बी का बराबर होगा सदिश बी ऋण सदिश आर के। और इस समीकरण को हम लिखते हैं समीकरण दो। समीकरण एक ए पी का मान है, समीकरण दो पी बी का मान है। आइए यहाँ ए पी और पी बी का मान रखते हैं। सदिश ए पी तथा सदिश पी बी का मान हमने ज्ञात किया समीकरण एक और दो में, और इनका मान रखने पर n सदिश ए पी बराबर m सदिश पी बी में मान रखते हैं। n ए पी का मान हम रख सकते हैं सदिश r ऋण सदिश a बराबर m। सदिश पी बी का मान रख सकते हैं हम सदिश b ऋण सदिश r। हल करते हैं इसे। n का गुणा सदिश r से ऋण n का गुणा सदिश a से बराबर होगा m का गुणा सदिश b से ऋण m का गुणा सदिश r से। दोनों r पदों को हम एक तरफ ले आते हैं, पक्षांतर करते हैं। m सदिश r धन n सदिश r बराबर हम लिख सकते हैं m सदिश b, और ये पक्षांतर हो जाएगा तो धन n सदिश a। हल करते हैं इसे। एम धन एन सदिश आर उधन निकाल सकते हैं हम, बराबर है एम सदिश बी धन एन सदिश ए के। अथवा लिख सकते हैं सदिश आर बराबर एम सदिश बी धन एन सदिश ए बटे एम धन एन, जो कि खंड सूत्र है। उस बिंदु के का स्थिति सदिश जो दो दिए हुए बिंदुओं को m अनुपात n में विभाजित करती है। दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं। यह तो पहली स्थिति जब बिंदु p a b पर स्थित है। आइए दूसरी स्थिति देखते हैं, जब P रेखाखंड AB को बाह्यतः विभाजित करती है M अनुपात N में,
विभाजित करती। आइए इसे बनाते हैं। हमारा मूल बिंदु है, मान लिया हमने O, पहला बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B तथा P कहीं और है। इन दोनों रेखाओं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित ना होकर कहीं और इसके आगे है, मान लेते हैं बिंदु P। माना A का स्थिति सदिश OA बराबर सदिश OA सदिश A है, OB का स्थिति सदिश सदिश B है तथा O से P को मिलाते हैं तो बिंदु P का स्थिति सदिश R है। फिर से हमें इस स्थिति सदिश R को ज्ञात करना है। अब चूंकि P बाह्यतः M अनुपात N में AB को विभाजित करती है, A से P बटे P से B बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस M बटे N, या NAP बराबर हमें मिलेगा माइनस M PB। इसे लिख सकते हैं हम सदिश विधि से, सदिश रूप में N सदिश AP बराबर माइनस M सदिश PB। हम AP और PB का मान निकाल चुके हैं। AP को हम लिख सकते हैं, इसके पहले हमने निकाला था AP का मान जो कि है सदिश R ऋण सदिश A। M PB का मान हम लिखते हैं सदिश B ऋण सदिश R। हल करते हैं इसे। देखते हैं हम N सदिश R ऋण N सदिश A बराबर ऋण M सदिश B ऋण और ऋण धन M सदिश R प्राप्त हुआ हमें। R पदों को एक तरफ ले जाते हैं तो हम लिख सकते हैं एम आर प्लस माइनस N सदिश R बराबर होगा M सदिश B ऋण N सदिश A। पक्षांतर कर दिया हमने, M ऋण N सदिश R बराबर होगा M सदिश B ऋण N सदिश A के, या सदिश R बराबर होगा M सदिश B ऋण N सदिश A बटे में M ऋण N, जो कि पुनः खंड सूत्र है उस बिंदु का स्थिति सदिश जो दिए हुए बिंदुओं को बाह्यतः M अनुपात N में विभक्त करती है। तो इस तरह हमने देखा खंड सूत्र के दो मान दो अलग अलग स्थितियों में। आइए देखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या होने चाहिए? तो खंड सूत्र का प्रयोग करके हम मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। माना O मूल बिंदु है, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा AB है तथा P इसका मध्य बिंदु है।
तो मान लेते हैं बिंदु ए का स्थिति सदिश सदिश ए है। इसी प्रकार बिंदु बी का स्थिति सदिश सदिश बी है तथा पी बिंदु रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो बिंदु बी रेखाखंड ए बी को समान अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात ये जो अनुपात है एम और एन ये बराबर हो जाएंगे, एम और एन का मान आपस में बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं बिंदु पी को ओ से मिलाइए तथा बिंदु पी का स्थिति सदिश आर है, तो खंड सूत्र से हम सदिश R बराबर लिख सकते हैं M सदिश B धन N सदिश A बटे M धन N। खंड सूत्र का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं सदिश R बराबर M सदिश B धन M सदिश A बटे M धन M, चूंकि अनुपात बराबर है, एम और एन का मान आपस में बराबर है। आर बराबर एम उभयनिष्ठ निकालें तो सदिश बी धन सदिश ए और एम को जोड़ देते हैं तो दो एम, तो सदिश आर बराबर सदिश बी धन सदिश ए एम कट जाएगा बटे दो, या सदिश आर बराबर लिख सकते हैं हम सदिश ए धन सदिश बी बटे दो। तो खंड सूत्र का प्रयोग करके हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और ये होगा सदिश ए धन सदिश बी बटे दो। तो इस प्रकार आज हमने देखा सदिश योग के नियम तथा उसके गुण तथा खंड सूत्र, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने में भी। अगली कक्षा में हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। सदिश बीजगणित जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर शून्य सदिश के बाद मैंने आपको सदिश बीजगणित में शून्य सदिश के बाद युज्य तत्समक की परिभाषा बताई है, जिसे आप सही कर लेंगे। यह युज्य तत्समक की परिभाषा नहीं है, यह युज्य प्रतिलोम की परिभाषा है। ध्यान देंगे आप लोग, योज्य तत्समक की जगह पर आप लिख लेंगे योज्य प्रतिलोम, तथा योज्य प्रतिलोम की परिभाषा हम लिखेंगे प्रत्येक सदिश ए के लिए एक सदिश माइनस ए इस प्रकार होता है, प्रत्येक सदिश ए के लिए एक सदिश माइनस है इस प्रकार होता है कि सदिश ए और सदिश माइनस ए का योगफल शून्य सदिश के बराबर होता है। तो सदिश माइनस ए सदिश को सदिश ए का योज्य प्रतिलोम कहते हैं।
से आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और सुधार लेंगे। और योज्य तत्समक में हम शून्य सदिश जीरो वेक्टर को ही सदिश ए का योज्य तत्समक कहते हैं। क्योंकि शून्य सदिश को सदिश ए में जोड़ने से सदिश ए के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शून्य सदिश को हम किसी भी सदिश का योज्य तत्समक कहते हैं। तथा योज्य प्रतिलोम की परिभाषा आप लिख लेंगे, प्रत्येक सदिश ए के लिए एक सदिश माइनस ए वेक्टर इस प्रकार होता है कि ए और माइनस ए सदिश को जोड़ने से शून्य सदिश हमें प्राप्त होता है। तो इस माइनस ए सदिश को हम दिए गए सदिश ए का प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। धन्यवाद।